एक बार फिर आप सभी का नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकेंड पेपर के अंदर आहार आयोजन पढ़ेंगे। आहार आयोजन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि होता क्या है। तो आहार आयोजन का मतलब होता है कि पूरे दिन की सुबह से लेके शाम तक, यानी कि रात तक, जब तक हम सोते नहीं हैं तब तक जो भी भोज्य पदार्थ, तरल पेय पदार्थ हम आहार के रूप में, भोजन के रूप में ले रहे हैं, उन सभी की प्लानिंग करना, यानी कि नाश्ते में क्या खाया जाएगा और खाने में क्या लिया जाएगा, खाने के बाद दोपहर ही क्या ली जाएगी, शाम को क्या खाया जाएगा, रात को सोने से पहले दूध वगैरह, तब तक की सारी जो प्लानिंग है वो की जाती है। साथ ही आहार आयोजन क्यों करना जरूरी है ये समझ लेते हैं। आहार आयोजन का मतलब होता है पूरे दिन की दिनचर्या के अनुसार, शरीर की बनावट के अनुसार, उम्र, लिंग, आयु वगैरह के अनुसार हमारी जो पोषण की मांग है क्या वो हमारे भोजन से प्राप्त हो पा रही है या नहीं, या कैसा भोजन दिया जाए कि उससे वो सारी मांगें पूरी हो जाए। अब भोजन देना ही, उसकी जो प्लानिंग करना ही क्या कहलाता है, आहार आयोजन कहलाता है। देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हर उम्र में कुछ ना कुछ बदलाव होते जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा, नवजात है ना, जो जन्म लिया हुआ बच्चा है, 6 माह तक का बच्चा देख लेते हैं, उसकी मांग क्या है, माँ के शरीर से दूध लेना। यानी कि वो दूध नहीं लेगा तो क्या उसकी वृद्धि विकास होगा, पोषण होगा, नहीं। तो वो अपने पूरे दिन में देखते हैं, बार बार रिपीटेशन होता है, हर 1-1.5-2 घंटे से उसको भूख लगती है, माँ के शरीर से दूध प्राप्त कर लेता है। 6 माह के बाद में बच्चे की बढ़वार और बढ़ने लगती है। भूख सिर्फ माँ के दूध से पूरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि सिर्फ दूध में ही सारे पोषक तत्व उसको नहीं मिल पाएंगे। अब जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका वृद्धि विकास हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके अनुसार उसके आहार में भी क्या होगा, बदलाव लाया जाएगा। तब बच्चों को कुछ चीज़ें खाने को दी जाती है, जैसे दलिया है, सूप है, खिचड़ी वगैरह है, दाल का पानी, चावल का पानी। फिर और बच्चे में बढ़वार हो गई, यानी कि शैशवावस्था के बच्चे आ गए, 1 चपाती दिन की खा लेते हैं, 2 चपाती खाना शुरू कर देते हैं, बिस्किट, टोस्ट, मठरी वगैरह सब कुछ खाना शुरू कर देते हैं। फिर स्कूल वाले बच्चे आ जाते हैं, वो भी अपना भोजन, उनकी और बढ़ जाती है मांग, क्योंकि अब सिर्फ वो खेल कूद से या अपने घर से संबंधित नहीं है, स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल से पूर्व भी वो अपने खेल कूद के जो एरियाज है उसकी भी उनका क्या हो जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है। पहले बच्चा 2 वर्ष तक सिर्फ घर के अंदर खेलता था, अब 2 वर्ष के बाद उसके दोस्त बनने शुरू हो गए, आस पड़ोस में जाना शुरू हो गया, अपने ग्राउंड में खेलना शुरू हो गया, तो उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा बिखरने लगेगी, तो उसकी भोजन की मांग क्या होगी, बढ़ने लगे। वैसे ही जैसे जैसे अपनी उम्र के अलग अलग पड़ावों में हम आते हैं, वैसे ही हमारे शारीरिक बनावट, हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तन और हमारी वृद्धि विकास के लिए बहुत सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, और ये सारे पोषक तत्व जो है आहार आयोजन के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो आहार आयोजन है हमारी, वो है बाल्यावस्था में, यानी कि बाल्यावस्था में पोषण कैसा होना चाहिए। पहले तो ये देख लेते हैं कि बाल्यावस्था कब से कब तक की उम्र होती है। तो सबसे पहली अवस्था जो हमारी उम्र की है वो है नवजात, ठीक है, जो कि जन्म से 1 माह। फिर आ जाता है शैशवावस्था, जिसमें मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि शैशवावस्था वो अवस्था है जब बच्चा माँ के शरीर से दूध लेना शुरू करता है और तब तक चलती है जब तक बच्चा ऊपरी आहार वगैरह खाना पचाना सब सीख जाता है, यानी कि 1 माह से 1 वर्ष तक। फिर आ जाती है बाल्यावस्था, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे 2 वर्ष भी बताया है तो कुछ ने 1 भी बताया है, 1 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, ठीक है। मैंने पहले ही यहाँ बताया है 1 से 12 वर्ष, यानी कि बाल्यावस्था 2 पड़ावों में चलती है, टोटली इसको 1 से 12 वर्ष तक कहा गया है। उम्र का इसका जो बाल्यावस्था का जो पहला पड़ाव है वो होता है 1 से 6 वर्ष, दूसरा होता है 6 से 12 वर्ष। अब जो 1 से 6 वर्ष है उसको कहा जाता है पूर्वशालीय, यानी कि वह बच्चा जो कि स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था में है वो अवस्था रहती है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था।
अब और उम्र बढ़ेगी तो बाल्यावस्था के बाद आ जाएगी किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद में युवावस्था, फिर आ जाएगी प्रौढ़ा और फिर आ जाएगी वृद्धावस्था। तो ये क्या है, उम्र के अलग अलग पड़ाव हैं। इन्हीं पड़ावों में जैसे जैसे उम्र में परिवर्तन आएगा वैसे ही शारीरिक बनावट, हमारी कार्यशीलता, हमारी एनर्जी वगैरह में भी चेंजेस रहेगा। तो वैसे ही पोषण की मांग क्या हो जाएगी, प्रभावित होगी, परिवर्तित होगी और उसी के अनुसार आहार आयोजन किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था को लेकर है। अब दोनों ही अवस्थाओं को एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जो बाल्यावस्था शब्द आया है, यानी कि बालक की अवस्था, इस शब्द को तोड़े अगर तो बालक प्लस अवस्था। बालक है, देखा होगा सबसे ज्यादा इसका ये अपनी ऊर्जा कहाँ खर्च करता है, खेलकूद। कब तक, 6 वर्ष तक के बालक को देखें तो 6 से 12 वर्ष के बालक जो रहेंगे ना वो अपनी पढ़ाई में, अपने दोस्तों के साथ घूमना, खेलकूद और भी अन्य जो कार्य होते हैं, मेंटलिटी वाले कार्य वगैरह होते हैं, आगे बढ़ने की जो होड़ होती है उन सभी में आगे आना शुरू कर देते हैं। अब जो ये 6 वर्ष के बालक हैं, जो 1 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के हैं, इनकी दिनचर्या होती है ज़्यादातर खेलकूद से संबंधित। अब खेलकूद में भी है जैसे इधर से उधर भागना, छुपा छुपी खेलना, टोली बनाकर खेलना, जैसे कि एक बच्चा है वो सभी को पकड़ने भाग रहा है, बाकी सब भाग रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है या खर्च कह सकते हैं हम, खर्च हो रही है। तो अब उतनी ही मात्रा में उसको एनर्जी वाला भोज्य पदार्थ मिलना चाहिए, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ उसको चाहिए। तो ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, कार्बोज और वसा। अब कार्बोज है जैसे कि अनाज है, अनाज वाली चीज़ें दे सकते हैं, गुड़ से बनी चीज़ें दे सकते हैं, यानी कि शर्करा युक्त जो चीज़ें हैं वो देंगे। उससे क्या हो जाएगा, उसको आहार की डाइट भी बहुत अच्छी मिलेगी, साथ में उसका पोषण भी अच्छा होगा, ऊर्जा भी उसको मिल जाएगी। वहीं वसा की बात करते हैं तो वसा का मतलब यहाँ पे सिर्फ तले भुने भोज्य पदार्थ नहीं है कि जो चीज़ तल दी वो उसको दे दो, यहाँ पे उसकी क्या हो जाएगी, फैट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो वसा युक्त भोज्य पदार्थ का मतलब है जो उसको आहार दिया जा रहा है वो या तो घी में, तेल में, बटर में बनाकर अच्छे से दिया जाए, जैसे चावल दे रहे हैं थोड़ा सा, एक अगर उसमें चम्मच चावल में घी डाल दिया जाएगा तो बच्चे के लिए अच्छा हो जाएगा। खिचड़ी दे रहे हैं, सूप दे रहे हैं, पराठा दे रहे हैं, तो उसमें तेल या घी की कुछ मात्रा में उसको बच्चे को दिया जा सकता है। फिर आता है 6 से 12 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ये क्या होता है, इनके शरीर में वगैरह में परिवर्तन आने लग जाते हैं उनका, और वृद्धि विकास शुरू हो जाता है, शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। अब सबसे पहले देखें तो लड़कियों में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, यकायक जो लड़कियां छोटी सी दिख रही थी वो एकदम से उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, उनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जो ये परिवर्तन है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में पहले आते हैं और लड़कों में 1 वर्ष बाद में देखे जाते हैं। अब शरीर की बनावट में चेंजेस आ रहे हैं तो उनकी क्या हो रही है, एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट हो रही है, उनके शरीर का जो कार्यशीलता है, उनके कार्य करने की दर है वो भी प्रभावित हो रही है, तो वैसे ही उनकी पोषण संबंधी मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कि जो जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, यानी कि बाल्यावस्था के बच्चे हैं, इनको सबसे अधिक मात्रा में चाहिए होता है प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य पहले ही हमने पढ़ रखा है, निर्माण करना, क्योंकि ये वो अवस्था है जो शारीरिक वृद्धि को दर्शाती है, यानी कि शारीरिक वृद्धि विकास इस उम्र में तेजी से होता है। तो वो निर्माण का कार्य होगा तभी होगा, और निर्माण कब होगा, जब प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ हमारे आहार में लिया जाएगा। अब प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ की बात आई है, मतलब उसको दाल, जैसे दालें हैं, तरह तरह की दालें दी जाए, दूध दिया जाए, दूध से बने भोज्य पदार्थ दिए जाए, तो क्या हो जाएगी, प्रोटीन की मांग पूरी हो जाएगी। वहीं अगर कोई मांसाहारी है तो मांस, मछली, अंडा वगैरह के माध्यम से भी अपनी प्रोटीन की मांग है पूरी कर सकते हैं। वेजिटेरियन है तो वो अपनी सोयाबीन वगैरह हैं, दालें हैं, मूंग दाल है, उड़द दाल है, इनमें अच्छी मात्रा में, चने की दाल में वगैरह में अच्छे से प्रोटीन की मांग जो होती है वो पूरी हो जाती है। अब आता है 1 से 12 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनको कैसा आहार देना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं 1 से 6 वर्ष के बच्चे, है ना, 1 वर्ष का बच्चा जिसने अभी अभी भोजन खाना सीखा है,
यानी कि जो ज़्यादा ठोस पदार्थ नहीं खा के जो एकदम पचाने वाला जो एकदम सॉफ्ट हो वैसा भोजन खाना सीख जाते हैं। तो इनका भोजन कैसा होना चाहिए? आसानी से पचाया जाने वाला, आसानी से चबाया जाने वाला, वापस उनके रंग रूप बनावट में परिवर्तन होना चाहिए। बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे हमेशा एक जैसा भोजन करना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि डेली की डेली उनको सब्जी रोटी दे दी जाए तो बच्चा खाना पसंद नहीं करेगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए भोजन अगर दिया जाएगा, आहार आयोजना की जाएगी, तो एक तो सबसे पहले बच्चे की रुचि देखनी है, यानी कि पसंद देखनी है, उनको कौन से भोज्य पदार्थ ज़्यादा पसंद हैं, तो वही भोज्य पदार्थ उनको दिया जाए। अब ज़्यादातर बच्चों को होता है कि मीठे भोज्य पदार्थ पसंद होते हैं, तो मीठा दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर चॉकलेट वगैरह की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उनको चिपचिपे और ज़्यादा मीठे भोज्य पदार्थ नहीं देने हैं। हलवा है या फिर जैसे कि कुछ उसको बर्फी बना के दे दी जाएगी वगैरह, तो वो अच्छी है उनके लिए। फिर आ जाता है कि बालकों को नियत समय में भोज्य पदार्थ देना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर आधे घंटे से 15 मिनट से उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए कटोरी सामने रख दी जाए, क्योंकि बच्चा खा ही नहीं पाएगा। यानी कि उनका समय जो है वो निश्चित होना चाहिए, सुबह मॉर्निंग में दे दिया, अब एक डेढ़ दो घंटे बाद अंतराल से वापस उसको देना है, फिर डेढ़ दो घंटे के अंतराल से वापस उसको थोड़ा लिक्विड हल्का फुल्का दे दिया, तो बच्चा क्या है आसानी से खाएगा, पचाएगा भी और खाने में अपनी जो है इच्छा भी दिखाएगा। लेकिन अब जो बच्चे को बार बार भोजन अलग अलग समय पर दिया जा रहा है उसमें भी वैरायटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि सुबह रोटी दी गई, दोपहर में भी रोटी दी गई और रात को भी, तो बच्चा नहीं खाएगा। सुबह के समय पराठा दे दिया या फिर कोई फ्रूट्स दे दिए, फिर उसको कहीं थोड़े समय बाद वापस जब भोजन दिया जा रहा है उपमा पोहा ऐसा कुछ दे दिया, फिर आधी चपाती या जितनी बच्चा खा पाता है उम्र के हिसाब से वैसे दे दिया जाए। कभी कभी भोजन के रंग रूप बनावट में भी परिवर्तन करके देना चाहिए, स्वाद में भी अलग अलग परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब जैसे कई बार मीठे बनाया जाए, कई बार फीके हैं, कई बार थोड़े से नमकीन हैं, कई बार थोड़े से चटपटे हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ भी बनाकर बच्चे को दिए जा सकते हैं। फिर छोटे बच्चों को क्या होता है, भूख लगती है कम, यानी कि उसको एक समय में इतना ही भोजन देना चाहिए कि वो निश्चित समय में उतना भोजन खा सके। अधिक दिया जाएगा बच्चा नहीं खाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, यानी कि जितनी उसकी मांग है उतनी ही मात्रा में उसको दिया जाए। बच्चे को भोजन थोड़े थोड़े समय के अंतराल से 5 से 6 बार देना चाहिए, यानी कि टाइम उसका डिसाइड कर लेना चाहिए, उसी के अनुसार देना चाहिए। लेकिन टाइम डिसाइड करने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर पहले भी मांग रहा है तो हम नहीं देंगे कि नहीं अभी 1 घंटा बाकी है बाद में देंगे। अगर बच्चे को भूख लग गई है तो थोड़ा सा समय की प्लानिंग में अपन परिवर्तन करके उसको दूसरा आहार भी उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि बच्चे की जो भूख है वो शांत हो जाए। भोज्य पदार्थ जो बच्चे को दिए जा रहे हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि बड़े टुकड़े होंगे बच्चा चबा नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, तो वो क्या कर देता है मुंह में पूरा नहीं ले पाएगा। उसके बाद है भोजन तले भुने अलग अलग तरीके से बनाए जाने चाहिए, ज़्यादा कठोर नहीं होने चाहिए या ज़्यादा ऑयली भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को मीठा पसंद है, मीठा दिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चिपचिपे भोज्य पदार्थ हैं जो दांतों में चिपक जाते हैं ऐसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि दांतों में चिपकने से कई बार बच्चों में कैविटी होने की समस्या वगैरह हो जाती है। बच्चे के नाश्ते में ब्रेड है, जैम है, टोस्ट है, मठरी है, बिस्किट है, फ्रूट्स हैं या फिर जूस वगैरह है, ऐसे भोज्य पदार्थ पूरी हैं, पराठे हैं, कचौरी वगैरह, पकौड़ी है छोटी छोटी बनाकर वगैरह बच्चे को दी जा सकती हैं। अब आता है कई बार ऐसा भी होता है हमारे घरों में कि बच्चा भोजन खाना पसंद नहीं कर रहा है। अब बच्चे को जो डेली हम भोजन दे रहे हैं क्या वो हमेशा एक जैसा जा रहा है, सुबह रोज़ पराठा ही दिया जा रहा है, तो बच्चा नहीं खाएगा, क्योंकि एक ही चीज़ रोज़ रिपीट होगी तो बच्चा क्या हो जाता है उस चीज़ से उब जाता है, यानी कि उसको पसंद नहीं आता है। तब एक दिन पराठा दे दिया, दूसरे दिन उसको कुछ और चीज़ बना के दे दी जाए जैसे उपमा हो गया, तीसरे दिन उसको सैंडविच बना के दे दिया जाए, कभी उसको इडली बना के दे दी जाए, तो जैसे ही आहार में परिवर्तन होगा बच्चे के खाने के प्रति क्या हो जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी। बच्चे को एक बार में आहार में विविध प्रकार की चीज़ें देनी चाहिए, जैसे कि दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, सलाद है, इस तरह की चीज़ें,
क्योंकि बच्चे की क्या सिर्फ पोषण की मांग एक पोषक तत्व की नहीं है, बहुत सारे पोषक तत्वों की है, तो वो एक ही चीज़ में नहीं मिल सकता है, यानी कि दो या दो से अधिक चीज़ें भी एक साथ मिलाकर बनाई जा सकती हैं, या उसमें कुछ परिवर्तन करके, जैसे कि उसका रंग रूप बनावट बदल कर थोड़ी थोड़ी मात्राओं में दो या तीन तरह की चीज़ें बच्चे को दी जाए। जैसे चावल दे दिया, कार्बोज मिल जाएगा, अनाज दे दिया, कार्बोज मिल जाएगा, यानी कि रोटी दालें दे दी जाएगी तो प्रोटीन मिल जाएगा, सैलेड वगैरह में विटामिन खनिज लवण मिल जाएंगे, छाछ वगैरह मिल गई, कैल्शियम मिल गया, तो ऐसा क्या है, बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी पोषक तत्वयुक्त आहार दिया जाना चाहिए। बच्चों को विविधता पसंद होती है, यानी कि विविधता का मतलब है बार बार उनमें बदलाव लाना, एक जैसी चीज़ें बच्चा खाना पसंद नहीं करता है। बच्चों को कई बार कुछ जैसे कि सब्जियां है, जैसे कि हरे मटर है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, इस तरह की बहुत पसंद होती हैं, टमाटर हो गए, तो ककड़ी हो गई, तो इनको क्या करना चाहिए, कच्ची अवस्था में ही बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से साफ धोकर सैलेड के रूप में काट कर दिया जा सकता है, ताकि बच्चा उसको आसानी से खा सके। अब बच्चों को सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, अचार हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, इस तरह की बच्चों को चीज़ें नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ भी कर देते हैं और लीवर वगैरह को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। फिर आता है बच्चों को, जैसे प्रारंभ में हम भोजन सिखाते हैं तो उसको बैठकर खिलाना सिखाना चाहिए, हाथ मुंह अच्छे से धोकर खाने के लिए बिठाना चाहिए, अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए, और भोजन करने के बाद प्लेट अपने स्थान से हटाकर धोने के लिए रखें, हाथ मुंह धोए, कुल्ला करें, ब्रश करें, इस तरह की आदतें डालनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या होता है अच्छी भोजन संबंधी आदतों को भी सीखता है। अब आता है कि जैसे बच्चों को कई बार होता है कि माता पिता क्या करते हैं, पैसे देकर विद्यालय भेज देते हैं। अब विद्यालय जाने वाले बच्चे कौन से हैं, 6 से 12 वर्ष की उम्र में। अब इसमें भी क्या होता है, बच्चा रोने लग गया कि आज मुझे चॉकलेट खानी है, ये चाहिए, पैसे दो। अब बच्चे ने पैसे ले लिए, लेकिन वो क्या करता है वहाँ पर, जैसे कि अलग अलग खट्टी चीज़ें वगैरह है, या जैसे कुछ खाता है, चॉकलेट्स खाता है, सुपारी खाता है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उसको पाचन गड़बड़ियाँ उत्पन्न करती हैं और भोजन की मांग को उसको प्रभावित करती हैं, यानी कि बच्चा जो है संतुलित आहार खाना कम कर देगा और ऐसी चीज़ें खाएगा तो उसको क्या आ जाएगी, भूख कम लगेगी और बच्चा अच्छे से भरपेट भोजन नहीं ले पाएगा। तो माता पिता को कभी भी बच्चे को पैसे देने की आदत नहीं डालनी चाहिए। एक होता है कि जब बच्चे को भोजन दिया जा रहा है, बच्चा कई बार होता है भूख नहीं होती है उसको या कम है, कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती है, डेली हम 3-4 चपाती खाते हैं, किसी दिन हमने 1-1.5 खा ली, तो वैसे ही बच्चों में भी कई बार परिवर्तन होता है, गर्मी वगैरह की वजह से बच्चे नहीं खा पा रहे या भूख कम है। अब जैसे बच्चा बाथरूम नहीं गया है तो भी भूख कम लग सकती है, बच्चे को भोजन का पाचन सही से नहीं हुआ है तो दूसरे टाइम का भोजन वो कम खा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा है कि बच्चे को कभी भी डांट डपट कर या जोर जबरदस्ती भोजन नहीं करवाना चाहिए। बच्चे को जितनी मांग होगी, उसको भूख होगी, उतनी मात्रा में वो खा लेगा। जब उसको भूख ही नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती दिया जाएगा तो बच्चा वापस मुंह के माध्यम से निकाल देगा, तो ऐसी चीज़ बच्चों के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि जब परिवार के कुछ सदस्य भोजन कर रहे होते हैं तो बच्चे को भी उनके साथ में बिठाना चाहिए। क्या होता है कि बच्चा जब परिवार के सदस्यों के बीच में भोजन करता है तो सभी के साथ मिलकर दो दो बाइट या अलग अलग तरीके से खा लेता है, तो ऐसे में बच्चे क्या होता है, हंसी मजाक करते हुए भी उसका भोजन मिल जाता है, उसका आहार पूरा हो जाता है, साथ में ही वो बच्चा सभी के साथ मिलकर खाना भी सीख जाता है। यही चीज़ स्कूलों में भी अपनाई जाती है, जैसे कि बच्चा एक ही लाइन में सब बैठ के एक साथ भोजन करते हैं, सभी बच्चे टिफ़िन पूरा करते हैं तो बच्चा भी अपना एक साथ टिफ़िन खाने की आदत सीख जाता है। और जहाँ तक हो छोटे बच्चे हैं, यानी कि 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जगह बैठ के कभी भी भोजन नहीं करते हैं, तो उनको खेल खेल के माध्यम से बहला फुसला कर, कहानियाँ सुना कर, उनके साथ थोड़ा खेल कूद करके भी भोजन करवाया जा सकता है, ताकि बच्चा जो अपनी मांग है वो पूरी कर सके और अच्छे से आहार ले सके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बाल्यावस्था में पोषण, वो यहीं पूरा होता है। तो इस तरीके से बच्चों की आहार आयोजना की जाती है, एक बार इसको पढ़िएगा जरूर, कोई भी डिफ़िकल्टी है तो वापस आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे।